अब हम पढ़ेंगे फेवरस की रीअरेंजमेंट के बारे में। इस रीअरेंजमेंट में जो हमारे पास सबस्ट्रेट यूज होता है वो होता है अल्फा हेलोकिटोन। अल्फा हेलोकिटोन बेसिकली हमारे पास एक जो भी कार्बनल कार्बन के अल्फा पोजिशन में जो कार्बन होगा वहां पे जो हेलोजन लगा होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा हेलोकिटोन। ऐसे सबस्ट्रेट जिसमें कार्बन के अल्फा पोजिशन में जो कार्बन लगा होगा और उस कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए। जब हम अल्फा हेलोकिटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, यहाँ पे जो फेवरस की रीअरेंजमेंट में हम अपना अटैकिंग रेजेंट यूज करेंगे वो वेरी करेगा। अगर मान लीजिए मैंने हाइड्रोक्साइड एज एन अटैकिंग रेजेंट यूज किया तो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं यूज कर लूँ अल्कोक्साइड ओ आर माइनस यूज कर दूँ, मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एस्टर, वो बनेगा एस्टर। अगर मैं NH2- एज एन अटैकिंग रेजेंट यूज कर लूँ, मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा एक अमाइड, वो बनेगा एक अमाइड, वो एक बनेगा अमाइड। ये था फेवरस की रीअरेंजमेंट में कि जो अटैकिंग रीजन हम वेरी करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट भी वेरी करेगा। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा, मान लीजिए हमने एक सबस्ट्रेट लिया अल्फा हेलोकिटोन। इस अल्फा हेलोकिटोन का हमने मान लीजिए अटैकिंग रीजन यहाँ पे यूज किया हमने, सॉरी यहाँ पे सीएल आएगा, CH2Cl आएगा तभी अल्फा हेलोकिटोन होगा। हमने इसका रिएक्शन यूज किया हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका रिएक्शन कराया हमने हाइड्रोक्साइड के साथ। अब फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट होगा वो एज ए बेस एक्ट करेगा, ये एज ए बेस एक्ट करेगा और ये उस हाइड्रोजन को, उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कि अल्फा प्रोटॉन होगा। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा वो अल्फा कार्बन जहां पे हेलोजन ना लगा हो, इसीलिए इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। OH- हमारे पास बनेगा यहाँ पे कार्बोनाइन। ये जो कार्बोनाइन बनेगा ये इंट्रामोलिकुलरली इस हलाइड पे अटैक, इस CH2 पे अटैक करेगा और यहाँ से हलाइड एंड एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या होगी, साइक्लिडेशन होगी, एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी जिसमें कीटोन होगा, एक 3 मेंबर साइक्लिक कीटोन बनेगा। यही हमारा इंटरमीडिएट है फेवरस की रीअरेंजमेंट में। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि फेवरस की रीअरेंजमेंट में हमारे पास इंटरमीडिएट कौन सा यूज होता है तो ध्यान रखना जो इंटरमीडिएट बनता है हमारे फेवरस की रीअरेंजमेंट में वो एक साइक्लिक कीटोन है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा अटैकिंग एजेंट ने फर्स्ट स्टेप में एज बेस एक्ट किया था वो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का इसलिए एक्ट करेगा कि बिकॉज क्योंकि 3 मेंबर रिंग में काफी स्ट्रेन है इसलिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो गया। अब ध्यान से देखना, जब हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पे अटैक करेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड लॉ ब्रेक करेगी, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा तब फिर से जब नेगेटिव चार्ज वापस आएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन होगी, तो क्या होगा, या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगी या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगी। हमारे पास 2 पाथवे है, मान लीजिए मैंने इस पाथवे को ए नाम दे दिया, इस पाथवे को बी नाम दे दिया। अब ध्यान से देखना, अगर ए पाथवे के अकॉर्डिंग देखे हमारे पास एक 2 डिग्री कार्बो अनायन जनरेट होगा, 2 डिग्री कार्बो अनायन जनरेट होगा। अगर बी पाथवे की बात करें हमारे पास एक 1 डिग्री कार्बो अनायन जनरेट होगा और हमें पता है 1 डिग्री कार्बो अनायन इज मोस्ट स्टेबल, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी होगी बनने की। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, किसका हम वर्कअप करते हैं, यहाँ पे H+ आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने हाइड्रोक्साइड लिया हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हमने एस्टर लिया, अगर हमने ओवर माइनस लिया तो हमारे पास एस्टर बनेगा, अगर हमने NH2- लिया तो हमारे पास बनेगा अमाइड। अब हम इसकी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि IIT जैम एग्जाम में आई हुई हैं। ध्यान से देखना, ये एग्जाम ये 2019 IIT जैम के एग्जाम में आया था कि C डबल बॉन्ड CL दिया था इन्होंने और इसको उन्होंने इस कार्बन की लेबलिंग कर दी थी, इस कार्बन की लेबलिंग कर दी थी और उसका ट्रीटमेंट कराया था ओवर माइनस के साथ, वो पूछा था प्रोडक्ट बताओ। अब ध्यान से देखना, पहले स्टेप में क्या होगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा अल्फा हाइड्रोजन, जिसपे कार्बन नहीं लगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं लगा उसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हमारे पास क्या बनेगा, एक कार्बो अनायन जनरेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बो अनायन जनरेट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, साइक्लिडेशन होगी, हमारे पास क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा, हमारे पास एक 3 मेंबर साइक्लो साइक्लिक कीटोन बनेगा, साइक्लिक कीटोन बनेगा। अब ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट स्टेप में ओवर माइनस जो बेस एक्ट कर रहा था फर्स्ट स्टेप में, अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या एक्ट करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या एक्ट करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से देखना, जब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये बॉन्ड यहाँ ऐसे ब्रेक हो सकती है, नहीं तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकती है। अगर पहली पॉसिबिलिटी देखें, इसमें पाथ ए बोल दूँ, इसे पाथ बी बोल दूँ, पाथ ए में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ आर आ जाएगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा जो कि लेबलिंग की थी। अगर मैं इस पाथ बी की बात करूँ तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो लेबल वाली साइड है उस साइड में बॉन्ड टूटेगी, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पे आ जाएगा COOR। सिर्फ बहुत कार्बन हमारे पास 2 डिग्री है तो इसलिए स्टेबिलिटी भी ऑलमोस्ट इनकी इक्वल होगी, इसलिए बाद में ये प्रोटॉन लेके बाद में वर्कअप करके यहाँ इन पे नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन थी कि दोनों बनेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ये आया था 1 मार्क्स में 2019 IIT जैम एग्जाम में। अब इसकी और रिएक्शंस देखते हैं, इसकी और अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब मान लीजिए, अब मैं आपको एक ऐसा केस कराता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक जर्मिनल डायोड है। जर्मिनल डायोड कौन सी होती है? अगर हमारे एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो जाए, अगर एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप हो उसे बोलते हैं जर्मिनल अल्कोहल। अगर हमारे पास जर्मिनल डाइहैलाइड हो, सॉरी डायोल बोल दिया, जर्मिनल डाइहैलाइड की बात करेंगे, फिर अगर उसकी रीअरेंजमेंट इन जर्मिनल डाइहैलाइड, मान लीजिए हमने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ली। मान लीजिए कि हमारे पास मैंने इस तरह से एक सबस्ट्रेट लिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 Cl ले लिए, मैंने इसका रिएक्शन करा दिया मान लिया अब अल्कोक्साइड के साथ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन से जहाँ पे हाइड्रोजन ना हो उसको प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा इंट्रामोलिकुलरली, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, हमारे पास क्या बनेगा एक्जैक्टली कीटोन बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। अब ध्यान से देखना, जब भी आप जर्मिनल डाइहैलाइड यूज करोगे, जब भी आपके फेवर्सकी रीअरेंजमेंट में जो अल्फा हेलोकिटोन होगा वो बेसिकली जर्मिनल डाइहैलाइड होगा ना, तो आपके पास हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगी। अब ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओ आर माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, ये बॉन्ड है जो यहां से अब Cl लीव करेगा। जब भी यार रखना हमारे पास जर्मिनल डाइहैलाइड होगा तो दोनों Cl लीव करेंगे। अब दोनों Cl कैसे लीव करेंगे, जब ये बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड बना ले, यहाँ पे अगर ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे Cl लीव कर जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास क्या बनेगा एमी के साथ, एमी मिथाइल के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक अल्कीन बन जाएगी, यहाँ से Cl निकल गया और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे COOH बन जाएगा। अब ध्यान से देखना एक और बात, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से करना, ये बॉन्ड ब्रेक कर गई ना, ये बॉन्ड ब्रेक कर गई, इस कार्बन पे क्या लग गया COOH। अब देखा ये एक्सपेरिमेंटली क्या, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जर्मिनल डाइहैलाइड के केस में वो सिस बनता है, इसलिए यहाँ पे सिस प्रोडक्ट बनेगा। याद रखना, अगर आपको सिस वाली ऑप्शन दी होगी आप सिस बना के आएंगे। जनरली ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि हमारे पास सिस प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। मान लीजिए, अब ये थी बात जर्मिनल डाइहैलाइड की, मान लीजिए अगर मैं 1,3 डाइहैलाइड ले लूं, ध्यान से देखना, मान लीजिए अगर मैं 1,3 डाइहैलाइड ले लूं, मैं अगर 1,3 डाइहैलाइड ले लूं, 1,3 डाइहैलाइड का मतलब कि जो मेरे पास अल्फा हेलोकिटोन होगा वो 1,3 ऐसे डाइहैलाइड हम ले लेंगे। देखना ध्यान से, 1,3 डाइहैलाइड, जब भी आप 1,3 डाइहैलाइड लेंगे या जर्मिनल डायोल लेंगे, आपके पास हमेशा फेवर्स की रीअरेंजमेंट में सिस अल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी। मान लीजिए मैं ओवर माइनस को यहाँ पे, मान लीजिए ओवर माइनस को मैं एज एन अटैकिंग रिएजेंट यूज करता हूँ। अब आप कहोगे कि इन दोनों में से कौन सा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, जो मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट आपका सेम ही बनेगा। मान लीजिए फॉर कन्वीनियंस GOC की अकॉर्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अकॉर्डिंग, ये कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, मैंने इस कार्बोनाइन, इस यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लिया OR- में, यहाँ पे कार्बोनाइन जनरेट हो गया, यहाँ पे कार्बोनाइन जनरेट हो गया, ये कार्बोनाइन इंट्रामोलिकुलरली इस कार्बन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, हमारे पास क्या बनेगा, फिर से 3 मेंबर रिंग साइक्लिक कीटोन तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OR- फिर से आएगा, आपको OR- का अटैक इस तरह से कराना है कि आपने Cl को बाहर निकालना है, Cl को बाहर निकालना है, अल्कीन की फॉर्मेशन करनी है, इसलिए अब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगी, हमारे पास फिर से सिस अल्कीन बन जाएगी इस तरह से, और प्लस हमारा यहाँ से Cl लीव कर जाएगा। ये था हमारा फेवरस्की रीअरेंजमेंट, ये था हमारा फेवरस्की रीअरेंजमेंट, हमारे यहाँ पे सिस अल्कीन बनेगी। अब देखते हैं कुछ और केसेस के, मान लीजिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दी थी एक साइक्लोहेक्सिनोन की टोन, अगर इसको मैं कुछ इस तरह से आपको लिखूं, चेयर कन्फर्मेशन में अगर मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरा Cl इक्विटोरियल पे हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरा हाइड्रोजन एक्सिल पोजीशन पे हो। अगर एग्जामिनर आपको पूछे बताओ कौन सा फेवरस की रीअरेंजमेंट में दे, कौन सा रीअरेंजमेंट देगा, फेवरस की रीअरेंजमेंट देगा, अब ध्यान से देखना, जो Cl है इसका डायपोल मोमेंट इस साइड होगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिमिलरली इसका भी कार्बोनिल का डायपोल की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, सिंस दोनों डायपोल की डायरेक्शन सेम है, जिसका ज्यादा डायपोल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा।
यहाँ पे क्या है, सीएल की जो डाइपोल मोमेंट की ट्रैक्शन है, सीएल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, इस केस में डाइपोल की ट्रैक्शन इस केस में होगी ऑपोजिट है, इसलिए काफी इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट कुछ काफी हद तक कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए जो हमारे पास इसका डाइपोल मोमेंट होल मोलिक्यूल का कम होगा, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। इसलिए याद रखना, जब भी साइक्लिक टोन होगा उसकी इक्वेटोरियल पे हैलोजन होना चाहिए, तब भी हमारी फेवरस की रीअरेंजमेंट में होगी। एक्सियल में होगा तब हमारी फेवरस की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अब आपको उसके में चेयर कंफर्मेशन में रिएक्शन करा के दिखाता हूं कैसे होगा। अब क्या होगा ध्यान से देखना, मान लीजिए मैंने ओआर माइनस यूज किया, ये क्या करेगा, इस हल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जो कार्बोनाइन बनेगा वो इसके एंटी बॉन्डिंग में, जहां पे बॉन्डिंग बनते हैं ना, या ध्यान रखना जहां पे बॉन्डिंग बनेगा ना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रही है, उसके ऑलवेज ऑपोजिट एंटी बॉन्डिंग बनेगा, उसके एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रोडेंसिटी जाएगी, सिंस इसके अब एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन फिल होगी, इसलिए बॉन्ड जीरो हो जाएगा, ये सीएल इसलिए निकल जाएगा, इसलिए सीएल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी, क्लीव कर जाएगी, तो हमारे पास हैलाइड यहां से निकल जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा एक चेयर कंफर्मेशन में, इस तरह से हमारे पास एक साइक्लिक कीटोन बन जाएगा, इस चेयर कंफर्मेशन में एक साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब ओवर माइनस क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो बोथ पोजीशन सेम है, इसलिए जहां मर्जी बॉन्ड क्लीव कर दो, आपके पास एक 5 मेंबर रिंग का एस्टर बन के आ जाएगा। कहने का मतलब, जब भी आप साइक्लिक कीटोन का रिएक्शन फेवर्स की रीअरेंजमेंट में कराएंगे तो आपके पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये बात याद रखना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है फेवर्स की रीअरेंजमेंट में। अब हम इसकी और अच्छी एग्जाम्पल देंगे जो कि एग्जाम में आई हुई है, ध्यान से देखना, आपको मैं प्रॉब्लम कराता हूँ एक जो कि नेट में आई हुई है, बेसिकली ये आईआईटी जैम के लिए फेवरस की रीअरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी बात करेंगे जो कि नेट में रिएक्शंस आई हुई हैं, ये प्रॉब्लम लिखी है, एक ये प्रॉब्लम आई हुई है नेट जून दिसंबर 2015 में, नेट के एग्जाम में उन्होंने एक इस तरह का सबस्ट्रेट दिया है। अब देखना, पहचानना कैसे है कि हमारे पास फेवर्स की रीअरेंजमेंट हो रही है, जो मैंने आपको अटैकिंग रिएजेंट बताए हैं बेसिकली वो यूज होंगे या तो हाइड्रोक्साइड या तो ओआर या ओएमई और या NH2-। अब देखना, हमारे पास क्या दिया, अल्फा हेलोकेटोन दिया है, कौन सा अल्फा हेलोकेटोन दिया है, एक 1-3 हमारे पास डाइहैलाइड दी है। जब भी 1-3 डाइहैलाइड होगी और उसका फेवरस की रीअरेंजमेंट कराएंगे, हमारे पास क्या बनेगा, एक सिस्टलकीन बनेगी, हमारे पास एक अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब देखना फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर इसका मैं मैकेनिज्म बताऊं, इसकी मैं प्रॉब्लम फेवरस की रीअरेंजमेंट की आपको पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब इसके पास देखें किसके पास हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास है, इसके पास तो है नहीं, और इसके कार्बन की चारों वैलेंसी ऑक्यूपाइड ना, और कोई भी हाइड्रोजन इस पे नहीं है, तो क्या होगा, ओएमई मीन्स इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बोनाइन, सिंस यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा इंट्रामोलिकुलरली इस कार्बन पे अटैक होगा, बीआर यहाँ से निकलेगा, हमारे पास एक इस तरह से 3 मेंबर रिंग का कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओएमई माइनस फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करना है, अल्कीन बनानी, बीआर बाहर निकलना है, तो ध्यान से याद रखना, अब बीआर कैसे बाहर निकलेगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगी तो यहाँ से हमारा बीआर बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे COOME आ जाएगा, बस ये 2 मार्क्स में आया था, पता नहीं 2 या 4 मार्क्स में आया था नेट में, सिंपल था, कुछ करना नहीं था इतना, एक ही ऑप्शन मेरे ख्याल से ऐसी थी जहाँ पे उन्होंने अल्कीन बनाई थी, इसलिए याद रखना, जब भी हम 1-3 डाइहैलाइड यूज करेंगे या जर्मिनल डाइहैलाइड यूज करेंगे, हमारे पास अल्कीन या सिस अल्कीन ऐसे मेजर प्रोडक्ट बनेगी। एक और रिएक्शन है और भी काफी जो नेट में आई हुई है, वो आप खुद ट्राई करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब आपको मैं कुछ और अच्छी से इसकी प्रॉब्लम कराता हूँ, अब मैं कुछ और इसकी प्रॉब्लम कराता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कुछ एक इस तरह का सबस्ट्रेट है, यहाँ पे लगा बी आर, हमने अटैक कराया इसका, मान लिया अमाइड हम यूज कर लेते हैं, मान लीजिए हम NH2- यूज कर लेते हैं, ध्यान से देखना, 1-3 डाइहैलाइड है। अब आपको कितना पता चल जाएगा कि ऑप्शन में आपने वो ऑप्शन चूज करनी है जहां पे हमारे पास एक अल्कीन की फॉर्मेशन हो रही होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा ये, फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, सिंस ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, वैसे भी अगर सिमेट्रिकल ना भी हो तो आप जहां से मर्जी प्रोटॉन निकाल लीजिए, आपको प्रोडक्ट आपका सेम ही बनेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिए, 7 मेंबर की रिंग बनाई है मैंने, यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, यहाँ से बीआर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, हमारे पास एक साइक्लिक कीटोन बनेगा, यहाँ पे बीआर ऐसे ही था,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NH2- इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। अब हमें Br बार निकालना है, इसलिए Br बार निकालना है तो इसकी ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड इसके ऑपोजिट होगी वो इस पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगी, हमारे पास एक और यहाँ से Br निकल जाएगा और हमारे पास 7-6। अगर हम 7 मेंबर रिंग पे 1,3-dihalide यूज कर रहे हैं तो रिंग कॉन्टेक्शन होगी, याद रखना ऑलवेज जब भी हमारे पास साइक्लिक कीटोन होगा उसकी फेवर्स की रीअरेंजमेंट कराएंगे, ऑलवेज रिंग कॉन्ट्रेक्शन होगी, 7-6 मेंबर बनेगी, 6-5 मेंबर रिंग बनेगी, 5-4 मेंबर रिंग बनेगी, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, एक 6 मेंबर रिंग का कीटोन बनेगा और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आप एक बार बना के देख लीजिए। अब ये था फेवर्स की रीअरेंजमेंट, इसकी मैं आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अब PDF में दे दूंगा, आप ट्राई करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेमी फेवर्स की रीअरेंजमेंट। थैंक यू।